नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं चैनल विन। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गेट फिट की हमेशा से कोशिश रही है कि कुछ आपको खास जो है चीज़ें एक्सरसाइज घर बैठ के जो आप कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे हमारे समर वर्कशॉप गेट फिट का जो था उसमें अपना नाम रजिस्टर कराया और हमने उनको यहाँ पे दावत दी और वो जिम में आज मौजूद भी हैं। तो आज गेट फिट समर वर्कशॉप में एक और नई शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ी है, तो चलिए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद सैफ। सैयद मोहम्मद सैफ, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। चलिए आप भी स्टडी करते हैं। आपको एक बार हम मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने भी अपना ईमेल हमको मेल किया और हमारे प्रोग्राम के लिए अपना नाम दर्ज कराया। शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए तहसीन सर के पास सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आज इन्हें ये क्या खास बताने वाले हैं। तहसीन सर, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो ये पूछूंगा मैं कि जो लास्ट वीक हम लोगों ने एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचेस किए थे, क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? किया आपने प्रैक्टिस, आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा, बहुत इफेक्टिव था। बहुत इफेक्टिव था, हाँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका कंटिन्यूएशन जो है उसको आज करके देखेंगे। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ एक स्ट्रेच और फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग दो दो पैर बनाकर उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? ओके। आप लोग इस तरफ आ जाइए तो आप लोग देख पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोर एक्सरसाइजेस से जो फुल बॉडी के लिए है, ठीक है? मैं पहला आपको करके दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ स्टेप्स है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फ्लोर पे आ जाइए इस तरीके से, एक पैर को आगे ले लीजिए, ठीक है? दूसरा पैर पीछे जमीन पे टिका हुआ है, एंकल रिलैक्स्ड है, नी ऑन द फ्लोर। अब इस पोजीशन पे हाथ को नीचे रख लीजिए और जो पैर होगा ना उसी साइड के एल्बो को हील तक लेके जाना है, ठीक है? ओके, पोजीशन क्लियर है? क्या है? पहले लंज पोजीशन है, एक पैर आगे है, दूसरा पैर पीछे है, उसी पैर के एल्बो को नीचे तक ले जाना है, हील पे टच। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर इस पोजीशन में आपको क्रैम्प आता है या पुल आता है तो आप उसको स्टॉप कर लीजिए, आगे मत बढ़िए। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में आप स्टेबल हो सकते हो तो इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? हाथ वहीं रख के एल्बो ले जाकर अब ये जो नी थी, लेफ्ट नी, इसको लिफ्ट ऑफ कर लीजिए। ठीक है, एक 10 काउंट 20 काउंट तक स्टेबलाइज करिए। फिर इसी स्ट्रेच को अपोजिट साइड पे, इसका मतलब है पोजीशन नीचे आइए, लेफ्ट पैर आगे रखिए, राइट आर्म ऑन द फ्लोर, फॉर्म रिलैक्स्ड, एल्बो ऑफ द लेफ्ट आर्म टू द हील, फर्स्ट पोजीशन स्टेबल करके देखिए, जम रहा है, क्रैम्प नहीं आ रहा है, अब आगे बढ़िए, ठीक है? सेकेंड पोजिशन, एल्बो ऑन द हील, लिफ्ट ऑफ, 10, 7, स्लोली डाउन। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? नहीं। राइट, क्लियर। आप लोग करके दिखाइए जो मैंने बताया था, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या चेंजेस होगा तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा। ओके, गुड। कंफर्टेबल हो आप? या हाँ, थोड़ा सा और हाथ पीछे और पैर थोड़ा सा और आगे, ये पैर थोड़ा सा और आगे। ओके, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब नी आप लिफ्ट कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। साजिद जरा चेक करना, अंगूठा जमीन पे है ना? परफेक्ट, टो जमीन पे रहे, वेरी नाइस। और कोशिश करो कि जितना एल्बो जमीन पे टच हो जाए उतना बेहतर है। कीप ऑन ब्रीदिंग, सांस रोक के नहीं करेगा कोई भी, रिलैक्स। हाँ, रिलीज कर दो, रिलैक्स। फील हुआ? हाँ, फुल इनर थाइज, फुल बॉडी, यहां तक के शोल्डर्स, एल्बो, फुल आपको फ्री, परफेक्ट फील होगा, मतलब स्ट्रेच होगा। अपोजिट साइड ले लो। ओके, ये बहुत अच्छी स्ट्रेच है जो अक्सर आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेच है। मतलब कोई भी गेम खेलने से पहले वी कैन डू दैट, बेस्ट है ये। मतलब आप फुल बॉडी स्ट्रेच कर लोगे, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये आप कहीं भी कर सकते हो, प्लेग्राउंड में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, आपको इसके अंदर मैट की कोई जरूरत नहीं है, जमीन पे भी आप कर सकते हो। सुल्तानी, कंफर्टेबल अपना नी अप कर सकते हैं, उनको नी का देख लेना एक बार।
लिफ्ट ऑफ दो लिफ्ट परफेक्ट वेरी नाइस और प्लीज सांस लेते रहो मुझको आवाज आनी चाहिए कि आप सांस ले रहे हो 10 काउंट करो और रिलैक्स करो 8, 7, 6, 5, 4 वेरी नाइस 2, 1 रिलैक्स गुड वन महसूस हुआ हाँ प्लीज अब आप लोग आइए आप लोग ट्राई करिए अच्छा इसको रिपीटेशन इंसान कर सकता है कि ज्यादा ज्यादा बिकॉज पूरी बॉडी का स्ट्रेच हो रहा है तो रिपीटेशन आप चाहे तो दो बार कर सकते हो मैक्सिमम दो से तीन बार ओके लेकिन आप गेम से पहले आपके पास अक्सर टाइम कम होता है टाइम कम तो आप इसको जितना जल्दी कर सकते हैं इसमें ये ना करें कि आप अपना फॉर्म खराब कर ले कोशिश करें कि अच्छे से इसको परफॉर्म करें आप ओके ठीक है भले टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट जितना लगता है आपको आप इसके पीछे टाइम दीजिए थोड़ा सा सर वो लंच करते वक्त 90 डिग्री रखेंगे तो परफेक्ट पोस्चर है वो 90 डिग्री नहीं थोड़ा सा 90 से हल्का सा आगे मतलब 90 रखोगे तो अच्छा अगर आप 90 समझ सकते हो और बैलेंस कर सकते हो स्टार्ट करें गो स्टार्ट करें साजिद इनका चेक करना नहीं पहले इस हाथ को कभी भी नीचे आते वक्त है ना ये हाथ जो रिलैक्सिंग हैंड है ना उसको पहले नीचे लेके आओ ये वाला हाथ नीचे लेके आओ हाँ अब एल्बो को लेके जाओ बहुत अच्छे इस पोजिशन में स्टे करो थोड़ा सा पैर और आगे बहुत अच्छा 10 हाँ नी को जरा सा टच करो गुड नहीं पीछे और पीछे हील की तरफ पीछे पीछे थोड़ा सी गुड और अब लिफ्ट करो नी अपना नी सेफ राइट नी गुड राइट नी लिफ्ट करो परफेक्ट 6, 5, 4 थोड़ी सी हिप नीचे नी अप 2, 1 रिलैक्स कम नाउ लैंड फील हुआ पूरा इनर थाई पे हाँ गुड सर पीठ स्ट्रेट रहना जरूरी है या बेंड कर सकते हैं क्योंकि अगर आप पीठ अगर आप अपनी हमने हमेशा एक चीज का खास ध्यान रखा है कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमको नहीं खेलना जितना हो सके उतना स्पाइन को स्ट्रेट रखना है स्ट्रेट तो अगर आप अपनी हिप ऊपर ले लोगे ये स्ट्रेच करते वक्त तो आपका पूरा प्रेशर शोल्डर पे आ जाए बराबर हमको शोल्डर पे नहीं चाहिए हमको कोशिश करना है कि ये पूरी बॉडी पे स्ट्रेच है इंक्लूडिंग इनर थाइज बैक लेग्स नेक शोल्डर ये पूरी बॉडी पे स्ट्रेच फील होना चाहिए अगर किसी से ये स्ट्रेच नहीं होता है तो उसको ओवरडू ना करें और खास ध्यान रखें कि पहले अपने बैलेंस को परफेक्ट करें इसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप में बताया था नी को पहले ना उठाए पहले बैलेंस चेक करें अगर आप उस पोजीशन पे होल्ड कर सकते हो तो फिर आप नी लिफ्ट करें अगर नहीं कर सकते हो तो बस वो आपके लिए फाइनल स्टेज है उससे ऊपर ना जाए आपके लिए कोई क्वेश्चन था अगर हम लोग 90 डिग्री करते हैं तो इंटेंस होता जाता है जितना आप परफेक्ट पोस्चर में रहोगे जितना बिटवीन द लेग्स डिस्टेंस बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा लेकिन अगर बॉडी क्या करती है बॉडी अक्सर चीट करती है बॉडी डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाना चाहती है बॉडी हमेशा अपना कम्फर्ट जोन ढूंढती है okay. तो जहां आपने थोड़ा सा आगे पीछे किया तो बॉडी अपनी हिप को अपनी आपकी हिप ऊपर चली जाएगी क्योंकि उसको कम्फर्ट जोन चाहिए जहां आपने हिप को नीचे प्रेस करना शुरू किया पैरेलल टू द फ्लोर हो गए अब वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आप दूसरे पैर पर ट्राई करके देखिए आप भी ट्राई करिए हाँ नीचे आ जाइए जमीन पे हाँ और पैर आगे लाइए 90 नहीं है अभी भी हाँ परफेक्ट इट कैन बी बियॉन्ड 90 बट नॉट अंडर 90 और थोड़ा सा बाहर लेके आइए बस परफेक्ट अब एल्बो लेके जाइए नीचे अगर परफेक्ट पोजीशन होगी ना तो वो इस स्टेज पे स्टार्ट में ही आपको वो स्ट्रेस फील होना चालू हो जाएगा okay. महसूस हो रहा है और एल्बो उठाओगे नहीं आप जमीन से एल्बो हील के पास एकदम टच करके रखोगे अब लिफ्ट करो नी बहुत अच्छे और कोशिश करो नी को और ऊपर उठाने की और हिप को नीचे लेके जाने की इस हिप को थोड़ा सा और नीचे दबाओ नी को टाइट रखो बहुत अच्छे वेरी नाइस 10 काउंट्स लो 10, 9, 8 सांस लेते रहे प्लीज 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम डाउन एक चीज का खास ध्यान रखना आप कि सिर्फ टो पे नहीं रहना है आप बॉल ऑफ द फीट भी रह सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप बॉल ऑफ द फीट भी मेंटेन कर सकते हो सिर्फ टो पे मत रहो वरना अगर आप प्रेशर टो पे रहोगे तो पूरी बॉडी का वेट उस टो की जॉइंट पे जा रहा है विच इज नॉट राइट ओके ठीक है तो कोशिश करें कि फुल फीट बैलेंस करके रखे ओके ठीक है ओके इसमें कोई क्वेश्चंस है और तो हम फिर नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाते हैं आप इस तरफ आ जाइए मैं आपको सेकंड सीक्वेंस करके दिखाता हूँ अब देखेंगे हम लोग सेकंड स्ट्रेच फर्स्ट वाले की तरह सिमिलर दिखता है
मगर थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके ठीक है. उसी लंज पोजीशन में हमको वापस जाना है, पैर इस पोजीशन में रख के, और इसमें हाथों को इस तरीके से, जैसे जूते के फीते होते हैं ना, लेसेस होती है, इसे हम लेस फिंगर कहेंगे. क्या कहेंगे? लेस फिंगर. लेस फिंगर ठीक है. इस तरीके से इसको ट्विस्ट करोगे आप अपनी तरफ, जैसे आप लेस को देख रहे हो, और अपने हाथों को दूर लेके जाओगे बॉडी से. जैसे आपको चाहते हो, आप चाहते हो कि ये हाथ यहाँ से डिसलोकेट होके चले जाए. okay. आप इसको अपनी बॉडी से दूर पुश करोगे, और जब ये एक बार दूर आपको लगे कि आपने मैक्सिमम पुश कर लिया है, अब आप इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाओगे. ठीक है. अगर आप मेरे राइट या लेफ्ट में खड़े होते तो आप मेरे कानों को देख पाते. इतना पीछे लेके जाना है और इतना ऊपर लेके जाना है कि आपके कान विजिबल हो जाए. ओके ठीक है. ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है. ओके तो फर्स्ट पोजीशन कहां से स्टार्ट करेंगे? लेस फिंगर, पुशिंग इट अवे फ्रॉम द बॉडी, टेकिंग इट अबव द हेड टुवर्ड्स द सीलिंग एंड बैक. ठीक है. सांस लेते रहना है और बैलेंस बनाए रखना है. अगर आपका बैलेंस मिस हो रहा है तो इसको ना करें, क्योंकि आप नहीं चाहते इस पोजीशन में आप आड़ा तेड़ा गिरो. तो पहले आप इस पोजीशन को बैलेंस करें. अगर आपने अच्छे से बैलेंस किया है फिर आप उसको ऊपर लेकर जाओ. इसी पोजीशन को दूसरी साइड भी करें. लेस फिंगर्स अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी, अप एंड बैक. पुश करना है मैक्सिमम. इमेजिन करना है कि आपको अपनी बॉडी से इन दोनों हाथों को अलग कर देना है, सीलिंग की तरफ और पीछे. ठीक है. स्लोली डाउन. ये था फर्स्ट पार्ट. ओके इसी में एक सेकेंड पार्ट है. उसको करने के लिए पैरों को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे. ठीक है. एक और प्रिकॉशनरी नोट है, अगर ये एक्सरसाइज करते वक्त अगर आप कहीं रोड पे कर रहे हो तो आप घुटना जमीन पे ज्यादा देर नहीं रख पाओगे. तो जो टॉवल होता है आपके पास, जो आप फेस वाइप करने के लिए, या एक एक्स्ट्रा टॉवल कैरी करे जो घुटने के नीचे रख ले कुशनिंग के लिए. ओके ठीक है. सेकेंड स्ट्रेच, लेस फिंगर्स, पुश इट अवे, अप. अब इस पोजीशन में पहुंचने के बाद आपकी जो हिप है इसको आप आगे लेके आओगे. ओके ठीक है. इस पोजीशन को आप आगे पुश करोगे, नी को बाहर पुश करोगे. स्टार्ट करें. लेस फिंगर्स, पुश इट अवे, अप एंड बैक. ये पोजीशन आने के बाद अब आप अपने आप को आगे लेके जाओगे और नी को बाहर की तरफ. इस पोजीशन में फिर होल्ड करना है 10 सेकंड्स. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्लोली बैक. ठीक है. दो चीजों का खास ध्यान रखें जो इसमें मिस्टेक्स होती है. लेस फिंगर करते वक्त आदमी यहां तक करता है, ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन पुश नहीं करता, एक्सटेंड नहीं करता है, तो इससे स्ट्रेच नहीं मिलेगा. और यहां जाने के बाद नेक पीछे लेके जाता है ऊपर देखने के लिए. यहां नहीं खेलना है. ये प्रेशियस, आपकी बॉडी का एक प्रेशियस हिस्सा है, इसके साथ नहीं खेलना है. नेक सामने रखनी है, लुक सामने रखना है. नीचे रखो तो भी चलेगा, जमीन देखो चलेगा, लेकिन ऊपर नहीं, नहीं देखना है. आप दो जने ट्राई करिए इसको. चले आप लोग करके बताएं. पैर थोड़ा सा और आगे. बहुत अच्छा. ओके लेस फिंगर्स, पैर सीधा करो, पीछे का पैर रिलैक्स कर लो. हाँ पैर टो पे नहीं रखना है इस एक्सरसाइज में. इसमें एंकल रिलैक्स होगा. ठीक है. साथ ही इनका चेक कर लो ना, रिलैक्स ना पैर. ओके लेस फिंगर्स फुल प्रेस्ड, पूरा आगे की तरफ. थोड़ा सा हाथ ऊपर लेना चाहिए. हाँ बस. ओके पैरेलल टू द फ्लोर. सांस लो, सांस मत रोको. अब धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाओ. स्लो. और ध्यान रहे सिर्फ ऊपर नहीं जाना है, बैक भी जाना है. ईयर्स विजिबल हो जाने चाहिए आपके. हाँ, और लुक कहाँ होगा? या तो नीचे या अबव द होराइजन, जस्ट एट द अबव द होराइजन, एकदम जरा सा. 10 काउंट्स एंड रिलैक्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फील हुआ? फुल नेक रीजन, शोल्डर, बैक. परफेक्ट. अगर ज्यादा नी पे प्रेशर आ रहा है तो रिलैक्स कर जाओ. ओके चेंज द लेग.
सर लेग चेंज करना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेच तो अपन यस चेंज करना जरूरी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी जो हिप पोजीशन है ये एक डिफरेंट जोन में है, ये पैरेलल जोन में नहीं है, दोनों पैर जमीन पे सीधे नहीं है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में इस स्ट्रेच को कर रहे हो तो आपको कोई भी पैर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप परफेक्ट पोजिशन में हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप उस पोजिशन में हो जिसमें आपका एक पैर आगे है एक पैर पीछे है, तो हिप के अंदर जो ज्वाइंट जाता है वो एक डाइवर्टेड पोजिशन में या एक चेंज पोजिशन में, सेंटर पोजीशन में नहीं, इस वजह से हम दोनों करते हैं। ओके, तो दोनों साइड पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, अगर हम अगर खड़े रहकर करें तो नहीं चलेगा? इस लेवल का स्ट्रेच नहीं मिलेगा खड़े रहकर। अच्छा। आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो लेकिन इस इंटेंसिटी का स्ट्रेच नहीं मिलेगा। ओके, जो इंटेंसिटी पे क्योंकि आप उसमें क्या है बहुत नीचे जमीन पे आप स्टेबल हो, ऑन द ग्राउंड हो, और आप उसको पुश कर पाओगे। और जो इसका कंटिन्यूएशन ऑफ सेकंड सेट है जहां आप अपनी बॉडी को आगे पुश कर रहे हो, आप स्टैंडिंग में कैसे करोगे? हां वो सर, स्टैंडिंग में हो नहीं पाएगा, इसके लिए इस तरीके का स्ट्रेच। लेट्स स्टार्ट द अदर साइड। पीछे पैर देखना, एंकल रिलैक्स करे, टो पे नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, लेट्स गो, लेस फिंगर्स, फुल पुश, फुल पुश। आप लोग भी देख लो, नेक्स्ट आपको ये रिपीट करना है। ओके, बहुत अच्छे। इमेजिन करो कि शोल्डर डिसलोकेट करना है, यहां से निकाल देना है शोल्डर को, और सांस लेते रहो। नाउ टेक इट अप, ध्यान रहे बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अप एंड बैक, बैक, बहुत अच्छे। 10, 9, 8, कीप पुशिंग इट टू द सीलिंग। 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। बहुत अच्छे। अब पैर की पोजीशन चेंज करो आप, और सेकंड सीक्वेंस उसका करके दिखाओ जो हमने करके दिखाया था। स्टार्ट करें, वेरी नाइस। अगर आपको नी पे पेन हो रहा है, अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो आप टॉवल रख सकते हो, अगर कंफर्टेबल हो तो देन यू कैन प्रोसीड। गो रेडी स्टार्ट। पहले उस पोजीशन में स्टे करेंगे, 10 सेकंड नहीं करेंगे, 5-5 सेकंड करेंगे, मगर स्टे करेंगे, उसके बाद सेकंड पोजीशन में जाएंगे। स्टार्ट करें, प्लेस फिंगर्स, हाँ आगे बढ़ना, मैं दिखाता हूँ। पहले आप इतना करिए, नहीं पहले इस पोजिशन में आइए, आ गए आप, अब सेकेंड पोजिशन में जाइए टॉप वाली। अभी भी चीज कॉन्स्टेंटली ऑन है, आप पीछे भी पुश कर रहे हो, सीलिंग की तरफ भी जा रहे हो, ठीक है। अब आपको आपकी बॉडी को आगे पुश करना है हिप से, और हाथों को फुल एक्सटेंड रखना है ऊपर भी। स्टार्ट करें, राइट पैर उस साइड पुश करें, स्टार्ट करें, मैं बताता हूं, ले जाइए ऊपर। हाँ, अब हिप को पुश करना है, चेस्ट को अपराइट रखना है, नी को आउट करना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। और लुक सामने रखना है, 5 काउंट, ज्यादा नहीं, बहुत प्रेशर आ रहा है। परफेक्ट, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। स्लोली महसूस हुआ, फुल रेंज, जो पूरा जोन है उसमें आपको फील होगा। अब पैर की पोजीशन चेंज करके इसको रिपीट कर लीजिए, सेम स्ट्रेच को। खास करके जो क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर है, बैट्समैन है, उनको लॉन्ग स्ट्राइड्स देनी पड़ती है। जैसे अगर एक बॉलर है तो उसको बॉल फेंकने के लिए जब वो रन अप लेता है और जब वो बॉल थ्रो करने की पोजीशन पे पहुंचता है तो एक लॉन्ग स्ट्राइड होती है। अगर ये वो स्ट्रेच कर लेना तो वो खुद देखेगा कि उसकी गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। मतलब जो उसको स्पीड नहीं मिलती थी या जो उसको फोर्स नहीं मिलता था, ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलता था, इससे बहुत अच्छा उसको ड्राइविंग फोर्स मिलेगा और बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंजरीज कम हो जाएगी। स्टार्ट करिए, वेरी नाइस, टेक इट अप, बैक एंड अप, मैक्सिमम सर इनका थोड़ा सा हाथ ऊपर खींचो। ये था एक्सटेंशन, वेरी नाइस। अब आगे की तरफ पुश करो हिप को, ब्यूटीफुल, चेस्ट बैक, नी आउट, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, रिकवर। पता चला डिफरेंस क्या है? आपने सिर्फ होल्ड रखा था, आपने एक्सटेंड नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा ना, डिसलोकेट करने की सोचो। इमेजिन करो ये हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ जाना है, तभी आप उसको एक्सपैंड कर सकोगे, तभी वो पूरा स्ट्रेच महसूस कर सकोगे, इतना मैक्सिमम प्रेशर दे पाए ऊपर की तरफ। खींचना है आपको अपनी बॉडी से, उसको जुदा करना है, ऐसा इमेजिन करना है। ओके, आइए ट्राई करिए अभी आप लोग। पहली पोजिशन लेस फिंगर्स, होल्डिंग पोजिशन, उसके बाद मूवमेंट वाली पोजिशन करेंगे। आइए, बहुत अच्छा है, लेस फिंगर्स बनाइए चेस्ट के करीब, पैर से एंकल रिलैक्स करिए पीछे, गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन।
हाँ आवाज आई नहीं ऐसे नहीं उल्टा कर रहे आप पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे लाइक दिस ओके हाँ पुश और ज्यादा एंड बैक सीलिंग की तरफ लेके जाना है हमको सैफ आपके इयर्स नहीं दिख रहे हैं और पीछे जाना है जाने की चांसेस है बहुत अच्छे मैक्सिमम वेरी गुड मैक्सिमम ओके 5 4 3 2 सांस रोक के खड़े हो आप लोग सांस लेते रहो 0 रिलैक्स नाउ चेंज द लेग महसूस हुआ पूरा जॉइंट बैक गुड ओके चलिए नेक्स्ट लेग स्टार्ट नहीं इस तरीके से इस फिंगर हां इमेजिन करो आप हाथ जोड़े हुए हो और फिर उंगलियों को फंसा लो परफेक्ट पुश करो मैक्सिमम डिसलोकेशन बॉडी को पीछे ले जाओ हाथ को मेरी तरफ फेंको अब टेक इट अप वेरी नाइस आप लोग देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि जब आप करोगे तो आप इस चीज को महसूस नहीं कर पाओगे कि लेंथनिंग क्या है हाथ जब ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा या आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है ठीक है 4 3 2 मैक्सिमम अभी भी चांस है 1 0 अब सेकंड पोजीशन लेग्स चेंज कर लो आप लोग तो नी को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा नी पे पेन नहीं हो रहा है ना अगर हो रहा है तो टॉवल वगैरह रख लीजिए आप लोग पिलो है टॉवल है सॉफ्ट चीज ओके लेस फिंगर्स अगेन आउट मैक्सिमम अप ले जाओ गुड अप एंड बैक हाँ ईयर्स विजिबल हो जाने चाहिए वेरी नाइस अब हिप को आगे पुश करना है knee out yes okay this is the intense version of the first set 5 intensify karne ke liye ye iska tarika hai 4 full region mein aapko feel hoga back pe feel hoga neck pe feel hoga 3 2 1 0 change mehsoos hua good change the other side start lace fingers front इसके लेग्स थोड़ा आगे लेने हैं ये सैफ के बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा पीछे है पैर और आगे ओके टेक इट अप बिहाइंड द नेक पुश इट बिहाइंड द नेक सैफ और पीछे आपके यस हां वेरी नाइस अब हिप को आगे पुश करो नी आउट सैफ सर को इस सीधे ही रखना है हां या तो नीचे देखो या सामने देखो लेकिन ऊपर नहीं नी आउट सैफ और नी आउट हां वेरी नाइस 5 4 3 2 जितना आगे पुश कर सकते हो पुश करो हिप को 1 0 परफेक्ट स्टैंड अप महसूस हुआ गुड कैसा महसूस हुआ आप लोगों को स्ट्रेच करके सर जब हम वो लेस करके जब पुश कर रहे थे ना तो कॉलर पे बहुत टेंशन आ रहा था कॉलर और नेक स्ट्रेच फील हो रहा था हाँ बहुत टेंशन आ रहा था एंड जब हम लोग वो जो इंटेंस वर्जन था ना उसका जब नी को ऐसा आगे लेके जाते हिप को तब बैलेंस भी आउट हो रहा था और वो हो रहा था तो बैलेंस मेन इंपॉर्टेंट है आपको बैलेंस पे ध्यान रखना है अगर बैलेंस आउट हो रहा है तो आप ज्यादा पुश मत करिए आपकी बॉडी जितना परमिट करती है उतना पुश करिए और फिर एक पोजीशन जब आपको लगे कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ तब फिर थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाइए ओके ठीक है और कोई ओके ठीक है अब इसके आगे देखते हैं कि और 2-3 स्ट्रेचेस है जो अपर बॉडी की है उसको हम करने की कोशिश करेंगे अगर साजिद साहब इजाजत दें लेकिन सॉरी इसके लिए क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमको जो है अपने नाज़रीन को दिखाना है लेकिन अभी वक्त ख़त्म हो गया है लेकिन हमारे पास जो है 3 ईमेल्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा पहला ईमेल्स है जो बिहार पटना से कर रहा रिजवी का है वो कहते हैं कि सर मैं जो अपना जिम सेटअप कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ टिप्स बताएं आप तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे हम चाहेंगे कि पहले जिम सेटअप करना मतलब एक बहुत बड़ी एंटिटी है इसके लिए बहुत सारी डिटेल हमको जाननी होगी ऐसे हम सजेशन देंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा कि आप किस लोकेलिटी में खोल रहे हो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है आप किस तरीके का सेटअप करना चाहते हो क्योंकि जिम में भी बहुत सारे लेवल्स है एक होता है एक अखाड़ा स्टाइल जिम होता है एक होता है मिडिल क्लास जिम होता है जिसमें आप मीडियम एक्सपेंसिव मशीन्स डाल सकते हो और एक होता है हाई एंड जिम होता है तो आप किस लोकेलिटी में खोल रहे हो और आपका टारगेट क्या है बहुत सारी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्लस इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम चाहेंगे कि आप अपनी डिटेल्स हमको ईमेल करें और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए तो हम आपसे पर्सनली इसमें आपको ईमेल करके आपसे रابطہ कायम करके आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ों का
खास ध्यान रखें अगर आपको इसको सक्सेसफुल करना है तो। करार इमाम साहब, आपने सुना कि तहसीन सर ने क्या बताया, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको सही से गाइड करें या तहसीन सर गाइड करें तो हमारे ईमेल एड्रेस पे आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं कि किस तरीके की गाइडलाइन आप चाहते हैं। ओके, दूसरा ईमेल है सर मुजफ्फर अब्बास का, ये पूछना चाहते हैं कि हमें जो है कुछ एक्सरसाइज और डाइट प्लान बताएं आप। एक्सरसाइजेस तो हम इसमें बता रहे हैं जी। डाइट प्लान ऐसी चीज़ है कि हर इंडिविजुअल इंसान के लिए डिफरेंट होती है, तो पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये खाते क्या है, इनका डेली रूटीन क्या है, और हम इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। अगर इनको डाइट प्लान चाहिए तो इनको किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या कोई ऐसा पर्सन हो जिसने इसमें महारत हासिल की हो, क्योंकि वो उनको बता पाएगा कि उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से कितना उनको खाना चाहिए और कितना वो अभी खा रहे। कभी कभार ये होता है कि किसी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो इतना खाता है फिर भी उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती, तो उसको क्या फूड एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ये एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, एक डाइटिशियन का काम है जो उसको गाइड कर सकेगी। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप शो देखिए, इसमें आपको टिप्स इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे इस पे गाइडेंस चाहिए तो बेटर है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। ओके, तो जो है आपने जो है मुजफ्फर अब्बास, आपने सुना कि सर ने आपको बताया है कि आप जो है किसी न्यूट्रिशन से मुलाकात करें या मिलें और जो है उनसे जो है परफेक्ट जो है इनकी बॉडी के हिसाब से वो इनको गाइड करेंगे। रही एक्सरसाइज की बात, तो यकीनन आप गेट फिट देखते रहिए, इसमें हम ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। सर दूसरा सवाल है जो इनका ईमेल एड्रेस हैप्पी रिजवी, वो पूछ रहे सलामुन अलैकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा देखते रहें, और क्या हमें आपके प्रोग्राम की सीडी मिल सकती है? जी हाँ हैप्पी रिजवी, आपको हमारे प्रोग्राम की डीवीडी ज़रूर मिल सकती है, हमारे चैनल के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपको सीडी कोरियर कर देंगे। इंशाल्लाह अगर आप भी चाहते हैं, आपके पास कोई फीडबैक है तो अपने फीडबैक्स अपने सजेशन आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।